न्यूज चैनल एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय को शुक्रवार को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर विदेश जाने से रोक दिया गया। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए एनडीटीवी ने कहा कि मीडिया मालिकों पर छापे के साथ यह कार्रवाई मीडिया को चेतावनी है कि वो पिछलग्गू बने या नतीजा भुगते। कंपनी ने आरोप लगाया कि बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन कर मीडिया को लगातार शर्मनाक ढंग से चेतावनी दी जा रही है, उन्हें पूरी तरह से दंडवत होने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। कंपनी ने यह भी बताया है कि दोनों कहां और क्यों जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों केन्या की राजधानी नैरोबी जा रहे हैं। एनडीटीवी ने कहा कि दोनों को एक हफ्ते के लिए बाहर रहना था। 15 अगस्त को वापसी का टिकट भी बुक था। अभी तक यह पता नहीं चला कि उन्हें कौन सी एजेंसी ने हिरासत में लिया है। एनडीटीवी ने कहा कि सीबीआई द्वारा 2 साल पहले दर्ज आधारहीन और फर्जी केस के आधार पर उन्हें रोका गया। कुल मिलाकर मीडिया में यह पूरा मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है और लंबे समय से कहा जा रहा है कि एनडीटीवी का रुख सरकार को मंजूर नहीं है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।